ई मित्र क्योस्क के लिए दो अपडेट निकल के आ रही है, एक तो है अच्छी अपडेट और एक है बहुत ही ज्यादा बुरी अपडेट। तो जो अच्छी अपडेट है वो आपके लिए मैं बाद में बताऊंगा, तो पहले एक बुरी अपडेट है छोटी सी वो आपको दे देता हूँ, जैसे आपको ऑलरेडी इसके बारे में जानकारी होगी। क्योस्क डीएक्टिव हो जाएगा अगर आप अपना पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन सबमिट नहीं करते। यहाँ पे पुलिस वेरिफिकेशन जो आप ऑनलाइन सबमिट करेंगे वो 1 साल की पुरानी अवधि का होना चाहिए, जो ऑलरेडी आपने नोटिफिकेशन में पढ़ा होगा। लेकिन बुरी अपडेट ये नहीं है कि पुलिस वेरिफिकेशन अपलोड करना है, बुरी खबर ये है कि जो समय दिया गया है वो बहुत ही ज्यादा कम है, यानी कि 20 दिन अभी बचे हैं और 20 दिनों के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन बनवाना है और ऑनलाइन अपलोड करना है। तो बहुत सारी जगह पे 20 दिनों के अंदर पुलिस वेरिफिकेशन नहीं बनता, ये कंफर्म है। गवर्नमेंट कहेगी कि 7-8 दिन में जारी हो जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर कोई पहचान का बंदा आपके पुलिस थाने में अवेलेबल है तो आपका हो जाएगा, लेकिन फिर आपको बड़ा लंबा टाइम लगने वाला है। हमारे यहाँ भी कई बार मैं पुलिस वेरिफिकेशन ऑनलाइन आवेदन करता हूँ, तो वो जब भी पुलिस थाने में जाते हैं तो अभी आपको आने की जरूरत नहीं है, जब हम आपको कॉल करेंगे तब आ जाना, और ये कॉल आने में महीना भर भी लग जाता है। अब आपके पास समय कम है और आपको पुलिस वेरिफिकेशन जल्द ही बनाना है, तो उसके लिए आपको पता ही है क्या लगने वाला है। तो इसके लिए ये ई मित्र की एक समस्या है, तो गवर्नमेंट को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए था कि इतना कम टाइम आपको नहीं देना था, ऐसे दिनांक आगे बढ़ जाएगी, मुझे ये भी लगता है। अब दोस्तों दूसरी अपडेट है, बहुत ही अच्छी अपडेट है और जो शहरी क्षेत्र के ई मित्र है उनके लिए तो बहुत ही ज्यादा अच्छी अपडेट है। हो सकता है कि ग्रामीण क्षेत्र के ई मित्र कियोस्क के लिए इस अपडेट के इतने मायने नहीं हो, लेकिन जो शहरी क्षेत्र का ई मित्र कियोस्क है उनके लिए बड़ी खुशखबरी है। ये खुशखबरी है, जितनी भी नगरीय निकाय होती है जैसे नगर पालिका, नगर परिषद, नगर निगम होती हैं, उनके अलग अलग प्रकार की एनओसी व स्वीकृति होती है। तो उसमें से कुल 7 प्रकार की ऐसी स्वीकृति व एनओसी हैं जिसे ऑफलाइन बंद किया जा रहा है। अब मैं कह रहा हूं कि ऑफलाइन बंद किया जा रहा है तो ऑनलाइन प्रारंभ किया जाएगा, तो ऐसा नहीं है। ये ऑलरेडी सर्विस बहुत दिनों से ई मित्र पे ऑनलाइन है, लेकिन ई मित्र कियोस्क इन्हें यूज नहीं कर रहा है। अब यूज नहीं करने का भी कारण है क्योंकि अगर ऑनलाइन सर्विस तो इसको दे दिया गया था, लेकिन जब भी कोई भी सर्विस ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से अवेलेबल होती है तो क्या होता है कि जो सरकारी कर्मचारी होते हैं उसे ऑफलाइन ही एक्सेप्ट करते हैं, ऑनलाइन नहीं करते, क्योंकि उसके अंदर उनकी कमाई होती है। अब जब उसको ऑफलाइन बंद कर दिया जाएगा तब उसको ऑनलाइन एक्सेप्ट करना ही करना होगा। और मित्र कियोस्क को भी मैं ये कहूंगा कि ज्यादा से ज्यादा आवेदन इन सर्विसों के अंदर आपको करना है, जिससे आपका ये बेनिफिट है कि सर्विस वापस ऑफलाइन नहीं जाएगी। अगर आपको इसको ऑफलाइन बंद किया जाता है, ऑनलाइन ई मित्र के उसका आवेदन ही नहीं करेंगे, तो वापस इसको ऑफलाइन मोड के माध्यम से ले लिया जाएगा। तो इसके लिए जरूरी है कि जैसे ही ऑफलाइन बंद होकर आपको नोटिफिकेशन मिलेगा, आप इतने आवेदन करें कि हर एक आवेदन ऑनलाइन मोड के माध्यम से ही जाए। किस प्रकार से सर्विसों का यूज करना है वो मैं आपको बता दूंगा। ये सर्विसें हैं जैसे कि फायर एनओसी हो गई, नामांतरण की सर्विस होगी, भवन निर्माण की स्वीकृति होगी, और इसी प्रकार की अलग अलग प्रकार की जो नगर निकाय वगैरह नगर परिषद के अंदर जो भी एनओसी होती है वो इस प्रकार से ऑनलाइन आवेदन किए जाएंगे। इसके अलावा जो पट्टे के आवेदन होते हैं वह सर्विस भी ऑनलाइन अवेलेबल है, लेकिन वह सर्विस ऑनलाइन व ऑफलाइन दोनों ही माध्यम से अवेलेबल है, इसलिए ऑनलाइन आवेदन 0 है। अगर उनको भी ऑफलाइन बंद कर दिया जाए तो ई मित्र कियोस्क के लिए और भी ज्यादा कमाई होने लग जाएगी, जो शहरी क्षेत्र के ई मित्र कियोस्क हैं। तो इसके लिए भी मैं जितने भी LSP हैं उनसे आग्रह करूंगा कि इसके बारे में ध्यान दें, इन सर्विसों जो पट्टे के आवेदन होते हैं उनको ऑफलाइन बंद करवाए, जिससे कि ऑनलाइन ज्यादा से ज्यादा आवेदन ई मित्र कियोस्क करके कमाई कर सके, क्योंकि ई मित्र कियोस्क इसीलिए बैठा है कि वो अपनी कमाई कर सके। जब ऑनलाइन सर्विस ही उनके लिए नहीं है तो उसके ई मित्र कियोस्क खोलने का कोई मतलब नहीं रह जाता। तो मैं सभी LSP उनसे आग्रह करूंगा, क्योंकि हमारी जो आवाज उठाने की जिम्मेदारी LSP की है, तो LSP ये कोशिश करें कि इन सर्विसों को ऑफलाइन बंद करवाए। ई मित्र कियोस्क सभी इतने सक्षम हैं कि इन सर्विसों को ऑनलाइन यूज कर सकते हैं। तो दोस्तों समझ चुके होंगे कि कौन सी ऐसी सर्विसें हैं जो नई ई मित्र कियोस्क को मिलने वाली हैं। तो अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन ऑन करें, जिससे भविष्य में ऐसे ही और वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। बाय बाय दोस्तों।